मॉर्निंग क्लास कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों ने एक मिस्टेक करी अभी तक। जाना नहीं चाहिए आपने क्या मिस्टेक करी है? जानना नहीं चाहोगे कि आपने क्या मिस्टेक करी है एग्जाम में? तो आपने जो मिस्टेक करी है वो ये है कि कुछ बच्चों को छोड़कर सभी ने अपना ओरल वीडियो नहीं सबमिट किया है। तो बेटा, जिन बच्चों ने अपना ग्रुप में वीडियो डाला है उन्हीं बच्चों की मैं मार्क्स दूंगी, क्योंकि देखिए आपका वो ओरल टेस्ट था। तो कोशिश करिए जिन्होंने नहीं डाला है वो एक दो दिन में अपना जल्दी से जल्दी कन्वर्सेशन का, राइम्स का वीडियो बना करके अपने एग्जाम वाले ग्रुप में उसे अपलोड कर दें। ओके बेटा, तो बच्चों अभी हम आगे की क्लास में बढ़ते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है टेंस एंड वर्ब्स। लेसन सेवन है हमारा टेंस एंड वंस। तो बेटा, टेंस क्या होता है और वंस क्या होता है? तो जो हमारा वंस होता है वहां पर सिंगल नंबर होते हैं। जैसे आप वन से लेकर नाइन्थ तक अगर काउंट करें तो वो हमारे टेन वंस में होते हैं। लेकिन जहां पर टेन आ जाता है, जहां पर टेन आ जाता है तो ये टेंस हो जाता है, यानी ये वंस है और ये टेंस है। तो आपको नंबर्स कुछ मैं दूंगी और आपको उसे शॉर्ट आउट करना है और ये वर्क आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एस ओ आर टी शॉर्ट आउट टेंस एंड वंस। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हमें यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स दिखूंगी और उसे आपको टेंस और वंस में अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक? वन टू थ्री फोर फाइव, ओके? अभी यहां हम लिखेंगे टेंस। टेंस 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 टेंस, ठीक है? अभी इसके बाद ये हमारा क्या है? प्लस का साइन। किस चीज का साइन है? प्लस का साइन है, ठीक? प्लस के साइन के बाद ये आपका किस चीज का साइन है? प्लस का साइन है फिर हम यहां पर ऐसे ही सेम बॉक्सेस बना लेंगे अपनी कॉपी में। सिंगल डिजिट है, लेकिन जहां पर टेन आता है वहां पर वंस और टेंस दोनों लग जाता है, यानी कि जीरो हमारा वंस हो जाता है और वन हमारा टेंस हो जाता है, यानी कि दूसरी जगह पे आते हैं। एक नंबर के पीछे जहां हम जीरो लगा देते हैं वो हमारा
दाई और दहाई के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरह 48 है, तो 48 में हमारा 4 क्या हो गया, टेंस हो गया, और 8 हमारा वंस हो गया। 95 में 9 टेंस एंड 5 वंस, 31 में 3 टेंस एंड 1 वंस, 67 में 6 टेंस एंड 1 वंस। ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज, इसे आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है। अभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको इसके अलावा भी कुछ करना है। तो इसके अलावा हमें करना है टेबल, आपको 4 तक टेबल लर्न कराए जा चुके हैं, अभी आपको 5 का टेबल अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए देख लेते, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 50। तो हम इसे लर्न कैसे करते हैं देख लीजिए, हम 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 45 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। तो आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, तो अभी इसे आपको अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में करना, उनकी क्लास कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।